मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के ऊपर चर्चा करेंगे। टाटा ग्रुप भारत की अग्रणी कॉरपोरेट ग्रुप है। अगर हम देखें तो इस ग्रुप के 18 लिस्टेड कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। इस वीडियो में मैं बस लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि उनमें ही हम पैसा लगा सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। अनलिस्टेड कंपनियों के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसकी चार कंपनियां निफ्टी का भाग है। कोई भी दूसरे कॉरपोरेट ग्रुप से चार कंपनियां निफ्टी में नहीं है। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो निफ्टी 50 कंपनियों का बना होता है, 8% निफ्टी टाटा ग्रुप की है। बजाज से 3 कंपनियां हैं, HDFC से 3 कंपनियां हैं, टाटा से 4 कंपनियां हैं। FNO में करीब 140 कंपनियां हैं, उनमें से 8 कंपनी सिर्फ टाटा ग्रुप से है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी कॉरपोरेट ग्रुप के लिए। और कंबाइंड मार्केट कैप इस ग्रुप का है 1068556 करोड़। मार्केट कैप घटता बढ़ता रहता है रोज, जैसे ही शेयर के भाव घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का कितना मार्केट कैप है, ग्रुप का कितना मार्केट कैप है। यहाँ और एक खास बात आपको बता दूं कि टाटा ग्रुप की जो भी कंपनी मैंने यहाँ पे लिस्ट करी है उनको मार्केट कैप के हिसाब से किया, जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट कैप है उसको पहले लिस्ट किया है। दूसरा, इन सभी कंपनियों के बारे में विस्तार से मेरे वेबसाइट पे चर्चा किया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो IT सेक्टर से है। यह भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से IT कंपनियों में से एक है। दूसरी कंपनी है टाइटन। यहाँ एक चीज और TCS के बारे में आपको बता दूं, मार्केट कैप के हिसाब से अभी यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस के बाद। दूसरी कंपनी है टाइटन सेक्टर कंज्यूमर गुड्स। आप लोगों ने टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रैक घड़ियों का नाम सुना होगा, इस्तेमाल किया होगा। ये कंपनी उन घड़ियों को बनाती है। और ज्वेलरी की अगर बात करें हम तो तनिष्क ज्वेलरी का ब्रांड भी इसी कंपनी का है। कंज्यूमर गुड्स की कंपनी, मार्केट कैप है 88641। तीसरी कंपनी है टाटा स्टील, जो कि स्टील सेक्टर की कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। मार्केट कैप है 37392। TCS, टाइटन, टाटा स्टील, ये तीनों की तीनों कंपनियां निफ्टी का भाग हैं। और टाइटन हमारे भारत के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। चौथी कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, FMCG सेक्टर का। इसको पहले टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल ही में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई टाटा ग्रुप की, तो टाटा केमिकल से कुछ एक प्रोडक्ट टाटा ग्लोबल बेवरेजेस को दिया गया और कंपनी को FMCG हेड बनाया गया ग्रुप का। टाटा सॉल्ट इस कंपनी का प्रोडक्ट है। टाटा NX प्रोटीन, टाटा संपन्न, टाटा टी, टाटा इसी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। पांचवी कंपनी टाटा मोटर्स, ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैप है 34435। अभी तक हमने जो भी कंपनियां देखी हैं, पांचों कंपनी FNO का भाग है और टाटा मोटर्स निफ्टी का भाग है। तो पांच में से चार कंपनियां जो हमने देखी हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को छोड़ के, ये चारों के चारों निफ्टी का हिस्सा हैं और ये पांचों फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी हिस्सा हैं। टाटा मोटर्स
इंटरनेशनल ब्रांड जेगुआर को ऑन करती है, यही कंपनी उसके पीछे है। और दूसरा, एकमात्र ऐसी कंपनी है जो पैसेंजर व्हीकल के कारोबार में भी है, साथ ही साथ लाइट कमर्शियल व्हीकल, हेवी कमर्शियल व्हीकल, बस, ट्रक और कार्स तीनों बनाती है। छठी कंपनी है ट्रेंट रिटेल की, जो स्टार बाजार, जो सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट है, इसके पीछे यही कंपनी है। मार्केट कैप है 23458। सातवीं कंपनी है वोल्टास। आप लोगों ने वोल्टास एसी इस्तेमाल किया होगा या देखा होगा। वोल्टास एसी टाटा ग्रुप की कंपनी है और यह भारत की सबसे बड़ी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सेक्टर होम अप्लायंसेस और मार्केट कैप है 18112। आठवीं कंपनी है टाटा कम्युनिकेशंस। सेक्टर है टेली कम्युनिकेशन। मार्केट कैप है 16753। इस कंपनी के बारे में बहुत ही कम चर्चा होती है आमतौर पर, नहीं के समान, जबकि ये कंपनी के कुछ एक फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको जान के लोग अचरज में पड़ जाते हैं। 30% दुनिया का जो इंटरनेट है वो इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर से राउटिंग की होता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी कंपनी के लिए कि जो दुनिया का इतना बड़ा इंटरनेट का जाल है, 30% ट्रैफिक इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर से पास करता है। नौवीं कंपनी है टाटा पावर, जो कि पावर सेक्टर की कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, प्राइवेट पावर कंपनी है। मार्केट कैप है 12076। दसवीं कंपनी है इंडियन होटल्स, होटल सेक्टर से। आप लोगों ने ताज होटल्स का नाम सुना होगा, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। तो ताज होटल जो ग्रुप ऑफ होटल से ब्रांड है वो इस कंपनी के अंतर्गत आता है। ताज होटल, जिंजर होटल्स, ये सब इसी कंपनी के अंतर्गत आते हैं। 11वीं कंपनी है टाटा केमिकल्स। पहले टाटा सॉल्ट टाटा केमिकल्स के अंतर्गत आता था, बाद में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से वो सारे प्रोडक्ट्स टाटा केमिकल से टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, या अभी कह सके टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को चले गए, इसलिए मार्केट कैप यहाँ पे आप काफी कम देख रहे हैं। ये कंपनी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में सोडा ऐश बनाने की, और छठी सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की। बारहवीं कंपनी है रैलीज इंडिया। रैलीज इंडिया टाटा केमिकल्स की सब्सिडरी है और यह एग्रो केमिकल के कारोबार में है। मार्केट कैप है 5203। यह कंपनी भारत के 80% से ज्यादा जिलों में अपने उत्पाद को, मतलब अपना नेटवर्क का जाल बिछा के रखी है। इतने बड़े देश के 4/5 से ज्यादा जिलों में कंपनी का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जाल है। 13वीं कंपनी है टाटा एलेक्साई, जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी है। यह दूसरी आईटी सेक्टर की कंपनी है टाटा ग्रुप की। मुझे लगता है कि आगे जाके कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में इस कंपनी को टीसीएस के साथ विलय कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी यह एक अलग एंटिटी है। और ऑटोनोमस कार, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब चीजों में काम करती है, डिजाइन और सॉल्यूशनिंग करती है। 14वीं कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। यह एक एनबीएफसी है। मार्केट कैप है 3858। 2019 मार्च तक इस कंपनी ने 91 कंपनियों में निवेश किया हुआ है, तो इसे आप एक तरह से म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। और यह एक होल्डिंग कंपनी है टाटा म्यूचुअल फंड की। 15वीं कंपनी है टाटा कॉफी, जो सेक्टर टी एंड कॉफी से बिलोंग करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादक है ब्रांडेड टी की और साथ ही में इंडियन पेपर की। 16वीं कंपनी है टाटा मेटालिक्स। ये पिग आयरन के सेक्टर में है और मार्केट कैप है 1441। ये पहली कंपनी है दुनिया में जिसने ब्रांडेड
DI पाइप्स और स्टार्ट किया है। 17वीं कंपनी है टाटा स्पॉन्ज आयरन, सेक्टर स्पॉन्ज आयरन, मार्केट कैप है 1171। 18वीं कंपनी है नेलको टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मार्केट कैप है 465। तो टाटा ग्रुप की सबसे छोटी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन कारोबार में कंपनी काम करती है और एक तरह से इसको एक डिफेंस सेक्टर की भी कंपनी हम कह सकते हैं। ऑल इन ऑल टाटा ग्रुप की 18 लिस्टेड कंपनियां हैं और अगर हम इन्वेस्टर के हिसाब से छोड़ के भी तो देखें तो टाटा ग्रुप एक बहुत ही अच्छी इमेज है भारत की जनता की नज़र में। और मेरे काफ़ी मित्र टाटा ग्रुप में काम करते हैं, कोविड के समय में भी ऐसा मैसेज आया था कि टाटा ग्रुप किसी को नौकरी से निकालेगी नहीं। तो ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट में भी ग्रुप काफ़ी अच्छे काम करती है और हमारा देश भाग्यशाली है कि ये ग्रुप हमारे देश में है। अब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, निवेशक के हिसाब से देखें, तो ग्रुप की कई कंपनियों ने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा पैसा बनाया है, इन्वेस्टर्स ने इसमें अच्छा पैसा बनाया है और एक दो कंपनियां ऐसी होंगी जिसमें इन्वेस्टर अच्छा पैसा नहीं बना पाए हैं, कि तकरीबन ग्रुप ने निवेशकों को निराश नहीं किया। ये एक निवेशक फ्रेंडली कॉरपोरेट ग्रुप है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे आपको टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनी, इन कंपनियों के बारे में डिटेल पता चल जाएगा। साथ साथ दूसरे कॉरपोरेट ग्रुप जैसे HDFC, बजाज, बिरला, महिंद्रा, इनके बारे में भी, लिस्टेड कंपनियों के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इन सब कंपनियों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, चैनल पे अपलोड किया है, तो आप उन कंपनियों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको घंटी दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करिए। इस तरह से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका आपको पता चल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में और वेबसाइट पे जो भी जानकारी दी गई है वह मेरे खुद के रिसर्च के लिए है और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद।